कमेंट सेक्शन में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी लड़कों के लिए जल्दी विवाह के उपाय बताइए। तो आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। परमात्मा ऐसी खुशियाँ ही आपके घर में आंगन में बरसाते रहें। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी यही ब्लेसिंग्स उनके लिए होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मित्रों, कई बार ऐसा विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, शुक्र कमज़ोर हो जाता है। शुक्र यदि छठे घर में हो या सूर्य के साथ मिलकर मतलब युति बनाकर पापाक्रांत हो, सिंह राशि में शुक्र हो तो विवाह संबंधी मामलों में तय होने में काफ़ी कष्ट प्रद स्थिति हो जाती है। और परिवार वाले सोचते हैं कि क्या कारण है कि इस लड़के का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। विवाह की आयु निकल जाने के बाद, ओवर एज हो जाने के बाद भी शादी की तय नहीं हो पाती है। तो आज कुछ चुनिंदा उपाय आपको बता रही हूँ शुक्र से संबंधित, जो आपने अगर कर लिए तो हरी इच्छा शिरोधार्य करके आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि इन उपायों को आप करें, आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा। आगे हरी इच्छा, क्योंकि हमारा तो ऐसा मानना है कि अगर आपके जीवन में गृहस्थी का सुख लिखा है तो उपाय करने से आपको फ़ायदा अवश्य ही होगा। और पॉजिटिव स्पिरिट रख के, इन उपायों में विश्वास करके जितनी शिद्दत से आप करेंगे उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा होने लगेगा। अविश्वास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा आपको विश्वासी होना चाहिए, आशावान होना चाहिए, भले ही कितनी भी एज आपकी हो गई हो। क्योंकि जो एज आपकी डिसाइड हुई है कि इस एज में आपका विवाह होगा, उस एज से पहले ना तो पहले हो सकता है ना बाद में, उस एज में ही जाकर आपका विवाह होगा। लेकिन उपाय करना से जल्दी योग बनते हैं, क्योंकि विवाह संबंधी योग आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति जितना शिद्दत से, जितना विश्वास के साथ उपायों को करता है, उसका इतनी जल्दी ही विवाह तय हो जाता है। तो कुछ चुनिंदा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इनको करने से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप उपाय बता रही हूँ, इनको इनमें से जितने उपाय आप करेंगे उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहला उपाय, आपको सफ़ेद बनियान जो बिल्कुल बेदाग हो, बिल्कुल सफ़ेद झक, वह बनियान आपको पहननी चाहिए। ऐसा करने से आपका शुक्र जागृत होगा। टॉवल भी आपको वाइट यूज़ करना चाहिए, रुमाल भी आपको वाइट यूज़ करना चाहिए और पिलो कवर्स भी आपको वाइट कलर के यूज़ करने चाहिए। सिर्फ धनु लग्न वालों को पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए और मीन लग्न वालों को पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। सभी चीज़ों में उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपको मोगरे के पुष्प अपने शयन कक्ष में अवश्य ही रखने चाहिए। फ्लोरल प्रिंट की बेडशीट का प्रयोग आपको करना चाहिए। कर्टन में भी फ्लोरल प्रिंट की बेडशीट आप फ्लोरल प्रिंट का कर्टन आप यूज़ करते हैं तो आपके विवाह के योग जल्दी बनते हैं, आपका शुक्र जागृत होता है। और मोगरे के पुष्प अगर अपने शयन कक्ष में आप रखते हैं, पिंक कलर की बेडशीट या फ्लोरल प्रिंट की बेडशीट आप बिछाते हैं तो भी आपका योग विवाह का जल्दी बनता है। शयन कक्ष में लव वर्ड आपको रखने चाहिए, अपने सिरहाने लव वर्ड आप रखते हैं तो आपका जोड़ा जल्दी बनता है। चंद्रमा का चित्र आपको अपने बेडरूम में अवश्य टांगना चाहिए, इससे भी आपको लाभ होता है। पूर्ण चंद्र का चित्र होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, पत्नी मनोरमा देही। इस मंत्र का जाप जितनी ज़्यादा संख्या में आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इंडेक्स फिंगर में चांदी में ओपल 7.25 रत्ती का पहनिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कैनवास शूज़ सफ़ेद रंग के पहनिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने घर में कोई भी फ्रेग्रेंस या रूम फ्रेशनर जरूर स्प्रे करें, आपको फ़ायदा होगा। मोर को भुने हुए चने खिलाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका विवाह योग जल्दी बनेगा, आपका शुक्र जागृत होगा। शुक्र यंत्र पूजा में रखें और शुक्र देव का मंत्र जपें। क्रिस्टल की माला से या कमल गट्टे की माला से आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शुक्र का मंत्र इस प्रकार है, ओम शुम शुक्राय नमः।
और दूसरा मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जो भी मंत्र आपको जपना है वो जपें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत करें। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लेकिन श्रद्धा होनी ज़रूरी है। इस दिन आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और आपके विवाह के योग जल्दी बनते हैं। गले में चांदी की चैन पहनने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और अपने अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहन लें, आपका शुक्र निश्चित रूप से जागृत होगा और आपका विवाह योग बनेगा। आप शुक्रवार का व्रत निरंतर करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो मंगल संबंधी दान अवश्य करें। मंगल संबंधी दान में गेहूं का दान, गुड़ का दान, मसूर की दाल का दान और तांबे के पात्र का दान और रक्त चंदन का दान बहुत श्रेयस्कर बताया गया है। आप घर में साफ़ सफाई रखिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए। एक ही कपड़े एक बार आपने पहन लिए तो दोबारा उनको धोकर और प्रेस करके ही पहनिए। सलवटों वाले कपड़े शुक्र प्रधान व्यक्तियों को नहीं पहनने चाहिए, या जिनको शुक्र को अच्छा करना है उनको भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको अंडरगारमेंट भी सफ़ेद रंग के ही पहनने चाहिए। अपने सिरहाने मोगरे के पुष्प रख के सो जाएं और प्रातः उनको जल प्रवाहित कर दीजिए, आपको शुक्र के अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। अपना चरित्र उत्तम रखिए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने कोई गर्लफ्रेंड बना रखी है तो उसको धोखा मत दीजिएगा, इससे आपका शुक्र खराब होता है। किसी भी स्त्री का अपमान करने से भी शुक्र ग्रह पीड़ा देता है, तो किसी भी स्त्री का आपको अपमान नहीं करना चाहिए और गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार गर्लफ्रेंड के श्राप से भी आपका विवाह नहीं होता है। और अक्सर हमने देखा है कि कोई लड़की आपने देखी है, उसको रिजेक्ट कर दिया, वो अच्छी भली थी, विवाह के योग्य भी थी, तो आप किसी भी लड़की को देखने जाते समय ये संकल्प लीजिए कि वो लड़की कैसी भी होगी उससे ही आपको विवाह करना है, तो आपके जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी और आपका विवाह सही समय पर हो जाएगा। क्योंकि कई बार आप किसी लड़की को रिजेक्ट करते हैं तो उसकी हाय भी आपको लगती है, हो सकता है वो आपके लिए कुछ ना बोले और उसका विवाह हो भी जाए, लेकिन मुक हाय लग जाती है। मन ही मन कोई किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन फिर भी किसी को कोई आपकी भावना से आहत हुआ है, कोई व्यक्ति कोई लड़की आपसे हर्ट हुई है, तो ऐसे योग भी जनरली बन जाते हैं। ये ऑप्शनल योग बता रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये लड़की की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है। कोई लड़की अच्छे चरित्र की है, अच्छे परिवार की है, सुंदर है, तो भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है किसी आधार पर, या जैसे वो आपसे बड़ी है या कुछ महीनों का ही फ़र्क है, तो ऐसी स्थिति हो तो विवाह कर लें और इस निर्णय पर पहुँचें कि ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी लड़की देखने जाते समय उसको रिजेक्ट बिना किसी आधार पर नहीं करें। उसमें कोई कमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कमी है तो आपको मतलब रिजेक्ट करना बनता है और उसमें कोई श्राप या बद्दुआ का भी सवाल नहीं होता, क्योंकि कोई कमी किसी के अंदर है तो है। आपने सबका ठेका नहीं ले रखा है कि सबको नैया पार लगाएंगे, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जहाँ तक हो सके किसी भी लड़की का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी गर्लफ्रेंड का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। अच्छे संबंध सभी से रखने चाहिए, चाहे आप विवाह करें या नहीं करें, लेकिन आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। स्त्रियों के मन में आपके लिए अच्छी भावना होनी चाहिए। अगर आपको किसी सुहागिन स्त्री का आशीर्वाद मिल गया है या गर्लफ्रेंड का आशीर्वाद मिल गया है, या किसी लड़की को आपने देखा और उसी ने आपके लिए मना कर दिया, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसको नाराज मत करें। किसी भी स्त्री को नाराज करने से आपका शुक्र खराब हो सकता है और आपको पीड़ा दे सकता है। अगर आपको विवाह जल्दी करना है, सही समय पर करना है, ओवर एज नहीं होना है, तो स्त्रियों का अपमान करना बंद कर दीजिए। किसी भी स्त्री का अपमान करने नहीं करिए आप, तो आपका विवाह जल्दी हो जाएगा, सही समय पर हो जाएगा। तो आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, ऐसी जानकारी सबसे शेयर करना जिससे सबका भला हो सके। कमेंट सेक्शन में आके बताना कि इस वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।